हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, आई एम नेहा सेठी एंड वेलकम टू शेयर मार्केट विद नेहा सेठी। फ्रेंड्स, बात करेंगे HFCL शेयर के बारे में। टॉवर्स रिलेटेड कंपनी है। बेस्ट थिंग है कंपनी की कि रिलायंस का 4.99% का स्टेक है इस शेयर में फॉर टॉवर्स रिलेटेड वर्क। एंड फ्रेंड्स, करेंट प्राइस चल रहा है 64 रुपीज़ के आसपास। बट फ्रेंड्स, ये 64 रुपीज़ के आसपास आपको नहीं दिखेगा इन द नियर फ्यूचर। न्यूज़ आई है निकल के, जो सीधा न्यूज़ बताऊंगी कि ट्राई ने दिया एक बहुत बड़ा बयान। ट्राई इज़ अ हेड ऑफ टेलीकॉम सेक्टर। सो ट्राई स्लैशेस बेस प्राइस ऑफ 33 to 36 गीगाहर्ट्ज़ बैंड एंड 700 मेगाहर्ट्ज़ बैंड। सो फ्रेंड्स, आपको पता है कि प्राइस रेंज बहुत ज़्यादा ऊपर थी, तो 33 to 36 गीगाहर्ट्ज़ बैंड के प्राइस को कम किया गया है। सो दिस इज़ द गुड न्यूज़। सेकेंड न्यूज़ है 5G रोल आउट इन इंडिया टू स्टार्ट दिस ईयर एंड गवर्नमेंट प्रिपेयर्स ग्राउंड वर्क फॉर ऑक्शन। तो ऑक्शन फ्रेंड जून एंड में होने को दिखेगा आप सबको। उससे रिलेटेड जितना भी वर्क है, जितना भी ग्राउंड वर्क है, वो प्रिपेयर किया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू। हमारी गवर्नमेंट इंडिपेंडेंस डे के आसपास फर्स्ट 5G को लॉन्च करना चाहती है एंड इसके लिए एक अमाउंट भी रखा है, जितना अमाउंट गवर्नमेंट इसके में इन्वेस्ट करेगी। सो आपको उस अकॉर्डिंग ये शेयर आपको डबल होते यहाँ से दिखने वाला है। 64 रुपीज़ से डबल होते ईजिली दिखने वाला है 5G के लॉन्च होते ही, बिकॉज आप सबको पता है 5G इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडिया। तो सेक्टर के अकॉर्डिंग जाएंगे, सेक्टर के अकॉर्डिंग जाए तो बेस्ट शेयर है। रिलायंस का भी काफ़ी अच्छा स्टेक है एंड बिग प्रोजेक्ट्स इनको मिलेंगे ही मिलेंगे। सो दिस इज़ द लेटेस्ट अपडेट। कोई डिफरेंट न्यूज़ आती है HFCL शेयर से रिलेटेड या 5G से रिलेटेड, डेफिनेटली आपको बताने वाली हूँ। एंड आपको पता होना चाहिए कि HFCL ने विप्रो के साथ भी कोलैबोरेशन किया है फॉर 5G ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। तो आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि विप्रो ने किया है HFCL के साथ कोलैबोरेशन फॉर 5G ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के लिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। एंड दिस वीडियो इज़ अगेन ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। अपनी हार्ड एंड मनी को कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको खुद से भी अच्छी तरह रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, हमेशा करिए। थैंक यू सो मच।